जाएगा। प्रेशर लॉस्ट हो गया गाड़ी का और गाड़ी को ब्रेक लग गई। सारे लोग जो है ना अपने अपने कंपार्टमेंट में सुकून से बैठ के सफर करें। चाय गरम चाय ज्यादा चाय के चाय मैंने जो अपनी टिकट कराई थी उसका जो फेयर था वो तकरीबन 950 रुपीस था। जो रिजर्व कोटा होता ना उसमें से मैंने कराई थी, 950 रुपीस की टिकट मुझे मिली थी और मुझे ZC-30 कंटेनर ट्रेन के साथ लगा हुआ नज़र आया यार्ड में। ज़रा यहाँ से बिल्डिंग क्लियर हो तो फिर दिखाता हूँ मैं आपको। वो खड़ा हुआ है ZC-30-6412। अभी तक गरज चमक वाले बादलों में घिरा हुआ है, मेरे ख्याल से आगे दोबारा बारिश मिलेगी हमें। वैसे तो अभी पूरा रास्ता ही बारिश हुई है टैक्सला से लेके केएलएम तक। हमारे सीधे हाथ पे जा रही है सरगोधा लाला मूसा ब्रांच लाइन, जिस पे हम लोगों ने कुछ दिन पहले सफ़र किया था।
बेहतर होता जा रहा है। बिल्कुल ब्रेक लग गई। हाँ, ब्रेक का प्रेशर लॉस्ट हुआ है गाड़ी का। दोस्तों मौसम देखें, अभी फुल काला स्याह आसमान है हमारा, काली घटा से भरा हुआ। तो सीन ये हुआ है कि हमारी कोच से पिछली वाली जो कोच है, इन दोनों के दरमियान जो ब्रेक प्रेशर पाइप होता है वो जो है ना खुल गया है, जिसकी वजह से प्रेशर लॉस्ट हो गया गाड़ी का और गाड़ी को ब्रेक लग गई। ये फ़ायदा है कंप्यूटराइज्ड लोकोमोटिव्स का। प्रेशर बन गया गाड़ी का। हमारी ट्रेन से कितनी आवाम उतरेगी गुजरात रेलवे स्टेशन पर। चलेंगे और आगे अलेक्जेंड्रा ब्रिज एंड देन हरिपुर बंद, फिर उसके बाद वजराबाद पहुँचेंगे।
लाइक सुबह के वक्त की ताज़ी हवा खाने के लिए जो है ना प्लेटफॉर्म पर मुझे वॉक करते हुए दिख रहे हैं। ये भी एक अच्छा टाइम है अगर आपने सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारनी है तो ये काम तो करना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज। जी कर दो ऐसे, नज़र नहीं आना कुछ भी, ऐसे ही कर दो। सारे गुजरात के यंगस्टर्स बैठे हुए मजे कर रहे हैं, यहाँ बैठ के ठंडी हवा खा रहे हैं। और हम लोग ट्रेन में बैठ के ठंडी हवा खा रहे हैं। अभी दोबारा से प्रेशर इशू हुआ था और उसके साथ साथ कपलिंग का मसला था, थोड़ा कपलिंग को टाइट किया गया और प्रेशर इशू को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, मेरे ख्याल से हो गया। और गुजरात रेलवे स्टेशन पे तकरीबन 10 मिनट स्टॉप लेने के बाद गाड़ी को रवाना कर दिया गया है। हालांकि 2 मिनट का स्टॉप था, 8 मिनट मज़ीद ले लिए यहाँ पे क्योंकि चेकिंग हो रही थी कोच की। सुबह सुबह के खूबसूरत मनाजिर, हरे भरे सब्जे और उसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट बारिश वाला मौसम और काली घटा छाई हुई है आसमान पर।
बारिश शुरू हो गई है और मोटे बूंदों वाली बारिश है, इसका मतलब है कि तेज होनी है। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं हरिपुर बंद। मजे हो रही है फिर बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर और ऐसे ही लग रहा है जैसे कुछ तूफान वगैरह आया हो। इसका मतलब है कि वज़ीराबाद पे मैंने भी भीग जाना है बारिश में। आओ यही लगन दिया जी, आगे और काला बादल है। यार तो मैंने सारे ही कह रहे तू कराची चले आ, तू बारिश लै गया है जो तू ट्रेन च पौंदा मैं ट्रेन बारिश ही आ रही है। अल्लाह खैर करे भाजी। स्टेशन हम गेट पे चले यार उधर से जगह देना। सामान लॉक कर दिया सारा यहाँ जी। चलो पलखू रिवर ब्रिज है, यहाँ पे भी पानी आ गया हुआ है वरना ये हमेशा ही दिखती है वरना काला पानी होता है। भी इन्होंने स्लीपर्स बदले हैं, लोहे वाले स्लीपर्स उखाड़ के इन्होंने अब मेरे ख्याल से लकड़ी वाले लगाए होंगे, यहाँ तो कंक्रीट वाले स्लीपर्स ट्रैक में इंस्टॉल किए हैं ट्रैक की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और बाकी हमारा जो वो हमारे उल्टी तरफ आया है। छः बज के 7 मिनट हो रहे हैं। पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, तुम कहाँ जाते हो?
सही लाया कैमरा ने। ट्रेन का रश आप देख सकते हैं, सारे गेट पे फंस गए हैं लेडीज़ और जेंट्स। हम मज़ीद कोचेस की ज़रूरत है इन ट्रेन को, और हमारी जो लाइंस हैं उनको भी अपग्रेड होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक लाइंस अपग्रेड नहीं होंगी तब तक ये ट्रेन की जो लंबाई है वो पूरी नहीं होगी। दो जी भी है भाई साहब, भी आए हैं दो बैग लेके। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं कसम से मैं कभी ना सफ़र करूँ ऐसे। ये जो हाल है ना यहाँ पे ट्रेनों का, खैर कराची में शाहरा दीप पे भी हम ऐसे कर चुके हैं सफ़र, बड़ी जलालत वाला सफ़र होता है उसमें।